नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल भारत पर। महाभारत काल में एक योद्धा हुए हैं जिनका नाम बर्बरीक था, जिन्हें हम आज के नाम पर खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। ये वो योद्धा थे जो जिस भी सेना की तरफ से लड़ते पल भर में उस युद्ध की दशा और दिशा दोनों बदल सकते थे। श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि ये इस काम को कर सकते हैं और पांडव जो अभी जीत रहे हैं ये उन्हें पल भर में हरा सकते हैं, उन्हें ऐसा वरदान था। ये जिस भी युद्ध की जिस भी तरफ से लड़ते दूसरी सेना हारनी ही हारनी थी। ठीक ऐसे ही ये दो फाइटर जेट हैं, अगर ये किसी युद्ध में चले और कुछ महज कुछ घंटे के लिए अगर ये चल जाते हैं तो युद्ध की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। ऐसे में अभी भारत को इनमें से क्या लेना चाहिए, क्योंकि भारत के पास दोनों का ही ऑफर है। भारत के पास दोनों का ही ऑफर है, भारत जब लेगा तब लेगा, लेकिन फिलहाल हम आपको इन दोनों का कंपैरिजन यहाँ पे बता देते हैं कि किस तरह से कौन सा बेटर है। सबसे पहले बात करते हैं हम डिज़ाइन। F-35 जो है ये स्टेल्थ फाइटर जेट है, रडार की पकड़ में नहीं आता। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, मल्टी रोल फाइटर जेट है, सेंसर फ्यूजन और नेटवर्क सेंटर वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा कामयाब है। फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट। वहीं पे यूरो फाइटर की बात करें तो ये 4.5 जनरेशन का सुपीरियरिटी फाइटर जेट है। मल्टी रोल कैपेबिलिटीज़ हैं इसमें और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट और तेज गति से हमला कर सकता है। बात करें स्टेल्थ की तो दोनों में कुछ ना कुछ स्टेल्थ फैसिलिटी है। F-35 फुली स्टेल्थ है, जबकि यूरो फाइटर में कुछ ही चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेल्थ हैं और रडार को चकमा दे सकती हैं, ये फुल स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं है। अब बात करते हैं एवियोनिक्स और सेंसर्स की। अगर हम बात करें F-35 की तो एडवांस सेंसर फ्यूजन, APG-81 SRR रडार, डिस्ट्रीब्यूटेड अपर्चर सिस्टम, डैश, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेट सिस्टम, ये सब इसमें लगे हुए हैं। बात करें यूरो फाइटर टाइकून की तो इसमें कैपेटर ई, ऐसा रडार, डिफेंसिव एड्स सब सिस्टम, फोकस ऑन पायलट इन द लूप इंगेजमेंट, ये सारे सेंसर इसमें लगे हुए हैं। अब इंजन और परफॉर्मेंस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम बात करें F-35 की तो F-35 सिंगल इंजन है जिसमें विटनी F-135 इंजन लगा हुआ है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1.6 मैक है और ये 43,000 LBS का थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। वहीं पर यूरो फाइटर की बात करें तो EJ-200 इंजन लगे हुए हैं इसमें, ये दो इंजन से चलता है। मैक्सिमम स्पीड इसकी 2 मैक है। अगर स्पीड की बात करें तो यहाँ पे F-35 से ज़्यादा स्पीड है इसकी और कैपेबिलिटी है इसकी 40,000 LBS टोटल थ्रस्ट जनरेट करता है ये। तो यहाँ पे थ्रस्ट की बात करें तो दोनों इंजन मिलाकर भी F-35 के अकेले इंजन के जितना थ्रस्ट पैदा नहीं कर पाते हैं। वेपन्स और पेलोड की बात करें तो F-35 के केस में 68,000 किलोग्राम का पेलोड लेकर ये उड़ सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के। एमराम, JDM, SDBS ये सारे वेपन्स ले जा सकता है। यहीं पर यूरो फाइटर की बात करें तो ये 9,000 किलोग्राम का पेलोड लेके उड़ सकता है। 13 एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, एमराम, एसराम, पेवे बॉम्ब्स, स्ट्रोम सैडो और ब्रिम स्टोन्स जैसे हथियार लेकर ये उड़ सकता है। यहाँ पर ज़्यादा इसलिए है क्योंकि F-35 को स्टेल्थ बनाया गया है, इसलिए उसमें कोई भी हथियार बाहर की तरफ दिखाई नहीं देता, सब इंटरनली कवर होते हैं, इसी वजह से वो कम हथियार ले जाता है। चलिए मल्टी रोल कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं तो एक्सेल इन एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और कैपेबल ऑफ डीप पेनिट्रेशन, ठीक है, ये है अपना F-35 का, यानी कि हवा से हवा, हवा से धरती पे यहाँ पे कर सकता है। लेकिन अगर बात करें हम तो यूरो फाइटर केस में तो सुपीरियरिटी और रोबोस्ट मल्टी रोल एडेप्टिबिलिटी, तो यहाँ पे क्या है कि बेहद तेज गति से
बेहद तेज गति से हमला करने का ये कैपेबिलिटी इसके अंदर है। एयर टू ग्राउंड पे ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हमला करता है और डीप स्ट्राइक में इसके यहाँ पे कुछ कमी है। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो पर यूनिट कॉस्ट 80 से 90 मिलियन की आती है F-35 की, जबकि ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है 35,000 से लेके 40,000 पर फ्लाइट और, ठीक है जी। वहीं पे कॉस्ट की बात करें यूरोफाइटर की, तो यूरोफाइटर 100 मिलियन डॉलर में बनाया जाता है, जबकि इसकी पर फ्लाइट आवर की कॉस्ट आती है 18,000 से 20,000, जो कि F-35 से लगभग आती है। ऑपरेशनल एक्सपीरियंस की बात करें तो 2015 में ये कई सारे काम कर चुका है, 2015 से F-35। और अगर हम बात करें यूरोफाइटर जेट की, तो ये 2003 से सर्विस में है। अब इंटरनेशनल ऑपरेटर की अगर बात करें तो USA, UK, इज़राइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान, नॉर्वे, इटली, डेनमार्क, साउथ कोरिया और बेल्जियम, कई सारी कंट्री F-35 को यूज़ करती हैं, जबकि UK, जर्मनी, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरबिया, कुवैत, कतर, ये वो कंट्री के नाम हैं जो यूरोफाइटर को ज़्यादा यूज़ करती हैं। अब बात करें हम इसमें कई सारी ऐसी चीज़ों की, अगर हम बात करें स्पीड की, तो यहाँ पे आप स्पीड देखेंगे कि F-35 से ज़्यादा स्पीड है किसकी, यूरोफाइटर की। वहीं पर बात करें हथियार ले जाने की कैपेबिलिटी की, तो हथियार ले जाने की कैपेबिलिटी भी ज़्यादा है। बात करें सुपरसोनिक की स्पीड की और एकदम से क्विकनेस की, तो भी यूरोफाइटर ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ में F-35 बाजी मार जाता है, वो है वर्टिकल टेक ऑफ। इसे अगर चाहें इसके बी वेरिएंट में इसे कोई भी रनवे की ज़रूरत नहीं है, ये वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है। साथ के साथ ये स्टेल्थ फाइटर जेट है, मतलब दुश्मन के घर में घुस के उसे मार के आ सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ, कब हुआ और किधर से हुआ। तो ये अब आप बताइएगा आपको इसमें से कौन सा बेटर लगता है। एक तरफ ज़्यादा हथियार हैं, ज़्यादा तेज़ी से हमला कर सकता है, माइनर स्टेल्थ है, मतलब फुली स्टेल्थ नहीं है। दूसरी तरफ फुली स्टेल्थ है, हथियार कम ले जाता है, स्पीड कम है। लेकिन हथियार कम और स्पीड कम होने के बावजूद भी अगर ये दुश्मन की पकड़ में ही नहीं आएगा तो इसका जो हमला होगा वो बेहद घातक होगा और अपनी मनचाही जगह पर ये हमला कर सकेगा। यूरोफाइटर तेज़ी से हमला कर पाएगा लेकिन रडार की पकड़ में आता है, ज़्यादा हथियार ले जाता है, बहुत तेज़ी से उड़ता है, 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक ये जा सकता है। तो ये थी वीडियो। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए। नमस्कार, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।